साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज की हीरोइंस अक्सर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। साथ ही ये हीरोइन अपने टैलेंट की वजह से भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वैसे तो एक फैन को अक्सर हीरोइन की बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस के धर्म और कास्ट के बारे में पता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 31 हीरोइंस के धर्म और कास्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। कर दिया सब्सक्राइब, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 31, अदा शर्मा। अदा शर्मा का जन्म 11 मई 1992 को हुआ था। ये एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के साथ साथ साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। वैसे तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से ही की थी, लेकिन बाद में इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया जहां इन्हें टॉलीवुड में अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई। अदा शर्मा के कास्ट और धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू है और ये हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति की है। नंबर 30, अक्षरा हसन। अक्षरा हसन भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है। दरअसल ये साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले कमल हसन की बेटी हैं। वहीं इनकी बहन श्रुति हसन भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। अक्षरा हसन ने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों के साथ साथ साउथ की कई रीजनल लैंग्वेज में बनी फिल्मों में भी काम किया है। अक्षरा हसन के धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू धर्म है और इनकी जाति ब्राह्मण है। नंबर 29, अमाला अक्कीनेनी। 54 साल की अमाला अक्कीनेनी 80 के दशक में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेहरा थी। खासकर साउथ की फिल्मों में इनका जलवा देखने को मिलता था। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ समेत कई रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है। साथ ही इन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन इनकी पहचान साउथ की फिल्मों में काम करने से बनी थी। इनका भी धर्म हिंदू और जाति ब्राह्मण है। नंबर 28, अमाला पॉल। एक्ट्रेस अमाला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल में हुआ था। वर्तमान समय में भी ये तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। इसके अलावा इन्होंने कुछ कन्नड़ भाषी फिल्मों में भी काम किया है। इनका संबंध क्रिश्चियन धर्म से है। नंबर 27, अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी की गिनती साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में की जाती है। इन्होंने फिल्मी दुनिया में 2005 में कदम रखा था और इनकी पहली फिल्म ही जबरदस्त तरीके से हिट हुई थी। इन्होंने एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 रही थी। वैसे अनुष्का शेट्टी से जुड़ी एक खास बात यह है कि फिल्मी दुनिया में ये अनुष्का शेट्टी के नाम से जानी जाती हैं, जबकि इनका असल नाम स्वीटी शेट्टी है। खैर, इनके धर्म और कास्ट की बात करें तो इनका धर्म हिंदू धर्म है और ये शेट्टी कास्ट से आती हैं। नंबर 26, अर्चना चंधोके। 39 साल की अर्चना चंधोके ने तमिल फिल्मों में काफी काम किया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये एक जाना पहचाना नाम है क्योंकि ये एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ रेडियो जॉकी और टीवी एंकर भी हैं। इन्होंने कई सारी सुपरहिट साउथ फिल्मों में भी काम किया है। इनके धर्म की बात करें तो इनका भी धर्म हिंदू है और इनकी कास्ट पल्लार है। नंबर 25, असिन थोत्तुमकल। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप असिन थोत्तुमकल को जानते हैं तो शायद आपका जवाब ना होगा, लेकिन आपसे कहा जाए कि गजनी फिल्म में आमिर खान की हीरोइन को आप पहचानते हैं तो आप इसका जवाब झट से दे देंगे, बोलेंगे हाँ हाँ जानते हैं। दरअसल गजनी फिल्म में आमिर खान के साथ नजर आने वाली हीरोइन असिन का पूरा नाम असिन थोत्तुमकल है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से की थी। इसके बाद इन्होंने कुछ सुपरहिट तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया जहां इन्होंने गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म से शुरुआत की। असिन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं। ये बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी हैं और डांस ट्रेनर भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि असिन को 8 भाषाएं आती हैं। इस वजह से अपनी फिल्मों की डबिंग दूसरी भाषा में खुद भी कर सकती हैं। इतना टैलेंट होते हुए भी इन्होंने 2015 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। असिन के धर्म और कास्ट की बात करें तो इनका संबंध क्रिश्चियन धर्म से है और ये एक मलयाली क्रिश्चियन है। नंबर 24, साई धनशिका। साई धनशिका भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक जाना पहचाना चेहरा है। इन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में खास तौर से काम किया है। साई धनशिका का संबंध हिंदू धर्म से है और इनका कास्ट वन्नियार है। नंबर 23, दिव्या दर्शनी। दिव्या दर्शनी तमिलनाडु में एक जाना पहचाना चेहरा है। दरअसल पेशे से ये एक एक्ट्रेस और टीवी होस्ट है। साउथ में आमतौर पर ये सिर्फ डीडी के नाम से जानी जाती हैं। वैसे तो ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया है, लेकिन छोटे पर्दे पर ये कई मशहूर शो को होस्ट कर चुकी हैं और नियमित रूप से भी कर रही हैं। वैसे इनके शो कॉफी विद डीडी की वजह से इन्हें अच्छी खासी पहचान मिली है। इनका धर्म हिंदू है और कास्ट थेवार है। नंबर 22, हीरा राजागोपाल। 1991 से 99 तक हीरा राजागोपाल ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन 1999 में कुछ निजी वजहों से ये फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। इनके धर्म और कास्ट की बात करें तो इनका संबंध हिंदू धर्म से है और ये उदयार कास्ट से आती हैं। नंबर 21, पद्मलक्ष्मी। इंडियन अमेरिकन मूल की पद्मलक्ष्मी पेशे से एक ऑथर, एक्टिविस्ट, मॉडल और टेलीविजन होस्ट हैं। इन्होंने कई सारे मशहूर शोज को होस्ट किया है।
वहीं कई साउथ की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। इनका जन्म एक तमिल हिंदू परिवार में हुआ था। नंबर 20, रोहिणी। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रोहिणी का संबंध भी हिंदू धर्म से है। इनके कास्ट को कोनार या फिर यादव कास्ट के नाम से पहचाना जाता है। नंबर 19, लक्ष्मी राय। फिल्मी दुनिया में लक्ष्मी राय के नाम से मशहूर एक्ट्रेस का असल नाम राई लक्ष्मी है। इनका धर्म हिंदू और कास्ट राय है। नंबर 18, साई पल्लवी। पिछले कुछ सालों में साई पल्लवी ने गजब का नाम पूरे देश भर में कमाया है। अपनी बेमिसाल खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग की वजह से आज ये जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। ये हिंदू धर्म से हैं और बडागा ट्राइब कास्ट से आती हैं। नंबर 17, लक्ष्मी प्रिया चंद्रामौली। फिलहाल 37 साल की लक्ष्मी प्रिया चंद्रामौली तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। ये एक तमिल हिंदू परिवार से आती है। नंबर 16, श्रिया सारन। इनका पूरा नाम श्रिया सारन भटनागर है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये सिर्फ श्रिया नाम से ही जानी जाती हैं। इनका धर्म हिंदू है, जबकि इनकी कास्ट कायस्थ है। नंबर 15, नजरिया नजीम। कई मलयालम और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस नजरिया नजीम एक प्रोड्यूसर भी हैं। 26 साल की उम्र में इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। इनका संबंध इस्लाम धर्म से है। नंबर 14, श्रुति हसन। श्रुति हसन को आज किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनके पिता कमल हसन साउथ के सुपरस्टार कहे जाते हैं। हसन परिवार की तरह श्रुति का धर्म भी हिंदू और जाति ब्राह्मण है। नंबर 13, त्रिशा कृष्णन। बला की खूबसूरत मानी जाने वाली साउथ की मशहूर अदाकारा त्रिशा का पूरा नाम त्रिशा कृष्णन है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये सिर्फ त्रिशा के नाम से ही जानी जाती हैं। इनका संबंध हिंदू धर्म से है और ये केरल ब्राह्मण कास्ट से आती हैं। नंबर 12, नयनतारा। आज एक्ट्रेस नयनतारा किसी तरह के पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना काफी नाम कमाया है। इनके कास्ट और धर्म की बात करें तो ये एक मलयाली क्रिश्चियन है। नंबर 11, नगमा। नाम की वजह से काफी लोग ये समझते हैं कि नगमा का संबंध मुस्लिम धर्म से है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था और इनका पूरा नाम नगमा अरविंद मोरारजी है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये सिर्फ नगमा नाम से मशहूर हुई। इनका संबंध सिख धर्म से है। नंबर 10, तमन्ना। वर्तमान समय में तमन्ना भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया है। इनका संबंध भी हिंदू धर्म से है और इनकी कास्ट भाटिया है। नंबर 9, नंदिनी। इनका असल नाम तो नंदिनी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये कौशल्या नाम से मशहूर हैं। इनका संबंध भी हिंदू धर्म से ही है और ये थेवार कास्ट से आती हैं। नंबर 8, रूपा मंजरी। साउथ की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रूपा मंजरी का धर्म हिंदू है और इनका संबंध तमिल ब्राह्मण कास्ट से है। नंबर 7, समंथा रूथ प्रभु। फिल्मी दुनिया में समंथा नाम से मशहूर इस एक्ट्रेस का पूरा नाम समंथा रूथ प्रभु है। पिछले कुछ सालों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में समंथा का नाम तेजी से उभर कर आया है। वैसे तो समंथा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ही काम कर रही हैं, लेकिन इनकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग पूरे भारत में है। समंथा क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती हैं। नंबर 6, कायल अनाधी। कायल अनाधी फिलहाल तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से उभरता हुआ नाम है। अनाधी का धर्म हिंदू और कास्ट रेडप्पा है। आमतौर पर इस कास्ट को रेड्डी नाम से जाना जाता है। नंबर 5, कार्तिका। 1994 से 1998 के बीच कार्तिका मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेहरा थी। इन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी थीं। इनका करियर बड़े जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने हर किसी को हैरान करते हुए अपने करियर के पीक पर फिल्मी दुनिया को छोड़ने का ऐलान कर दिया और 1988 के अंत में एक डॉक्टर से शादी करके मालदीव में पूरे परिवार के साथ सेटल हो गई। वैसे ये फिल्मी दुनिया में कार्तिका के नाम से फेमस हुई हैं, लेकिन इनका असली नाम सुनंदा नायर है। वहीं इनका धर्म हिंदू और कास्ट नायर है। नंबर 4, ज्योतिका। वैसे तो ज्योतिका ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा की कुछ एक फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनकी पहचान तमिल फिल्मों में काम करने की वजह से ही हुई है। इन्होंने काफी सारी तमिल फिल्मों में काम किया है। इनके धर्म और कास्ट की बात करें तो इनका जन्म एक ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली में हुआ था, लेकिन शादी के बाद इनकी कास्ट गाउंडर हो गई। नंबर 3, जोशना फर्नांडो। फिलहाल जोशना फर्नांडो की उम्र 30 साल है। ये पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इन्होंने अपनी पहचान तमिल फिल्मों में काम करते हुए बनाई है। इनका संबंध क्रिश्चियन धर्म से है। नंबर 2, कीर्ति सुरेश। 17 अक्टूबर 1993 को जन्मी कीर्ति सुरेश वर्तमान समय में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। इन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया है। कीर्ति सुरेश का धर्म हिंदू है और इनकी कास्ट नायर है। नंबर 1, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि काजल अग्रवाल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2004 में एक हिंदी फिल्म से की थी। फिर इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, जहां इन्होंने 2007 में पहली तमिल फिल्म में काम किया। यहीं से इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और देखते ही देखते ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन गई। काजल अग्रवाल ने तमिल फिल्मों के अलावा तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। काजल अग्रवाल का धर्म हिंदू है और कास्ट अग्रवाल है।
दोस्तों इनमें से आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड की हीरोइन और साउथ हीरोइंस में से आपकी नजर में ज्यादा टैलेंटेड हीरोइंस कौन सी हैं? वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।